नमस्कार, निशा मधुलिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम कैबेज सलाद बनाएंगे। कैबेज सलाद को आप किसी भी खाने के साथ परोस सकते हैं, ये खाने के स्वाद को और बढ़ा देगा। तो आइए देखें कैबेज सलाद बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कैबेज ये 200 ग्राम ले लिया है। करी पत्ता 15-20 करी पत्ता ले लिए। दो हरी मिर्च जो लंबाई में काट ली है। तेल रिफाइंड तेल है 1 छोटी चम्मच। उड़द की दाल 1.5 छोटी चम्मच। राई 1/4 छोटी चम्मच से आधी। नमक 1/4 छोटी चम्मच से कम या स्वाद अनुसार। तो बनाना शुरू करते हैं। तो कैबेज को लंबे और पतले पीसेस में काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये कैबेज हमने बिल्कुल पतला पतला काट के तैयार कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन गरम कर लेंगे। पैन गरम हो गया है और पैन में हम अब तेल डाल देंगे। राई डाल देंगे। राई क्रैकल हो जाए, भुन जाए। राई की जगह हम काली सरसों मोटी वाली भी यूज कर सकते हैं। राई भुन गई है और अब हम ये उड़द की दाल डाल देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। राई ब्राउन हो गई है, हरी मिर्च डाल देंगे और एक करी पत्ता डाल देंगे और हल्का सा भूनेंगे और अब हम कैबेज डाल देंगे। नमक डाल देंगे और सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये कैबेज सलाद तैयार है। बस सबको अच्छे से मिक्स करना है। करीब 1-1.5 मिनट तक इसको इसी तरीके से भून के बना लेना है। कैबेज सलाद तैयार है। कैबेज सलाद को खाने के साथ परोसिए। आप कैबेज सलाद बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।